मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब वेट कर रहे हैं। हर कुछ तुम गिरा दिया फोन, फोन गिरा दल, नो, ए, नो बोला ना, ये फिर मस्ती करने लग गया, नो, ऊपर नहीं बोलो तो, ऊपर नहीं बोलो चिंकड़ी। सॉरी कैमरा धुंधला आ रहा था बंदे खाने। अरे रे रे रे, सुबह सुबह सर्दी में लग जाएगी ना। देखो देखो मैगुड़ी, हाँ बाबूड़ी, हाँ गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। अब वहाँ वो मार खाए बिना नहीं रहेगा। देख कितना मस्ती करता, देख लो। अब सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। आर्यन, आर्यन कम ऊपर नहीं, हाँ बस चलो। तो फ्रेंड्स, आर्यन को टाई कर दिया गया है, चिंकी को, खुशी को और हनी को, प्लस जिमी को जो कि जर्मन शेफर्ड है उनको उस तरफ डाल दिया है। अब निकाला जा रहा है रोमी को। रोमी को पहले अभी यहाँ टाई कर देंगे जिससे ये इनके साथ थोड़ा मिल ले। उसके बाद जब इसे अंदर डालेंगे ना, इसे जब अंदर वापस टाई करेंगे तब इसे सब फीमेल्स के साथ छोड़ेंगे, तो आधा घंटा ये भी उनके साथ खेल ले। क्योंकि इसे भी छोड़ने का मतलब वही है कि ये मैटिंग के चक्रों में इधर उधर किसी भी मेल के ऊपर जाके करेगा और फिर फाइट हो जाएगी, और फाइट में ये मार खाएगा क्योंकि ये भोला बच्चा है, बहुत भोला बच्चा है ये। इसको जहां से लाए उसके पास एक लैब्राडोर रहता है अप्पू नाम से। अप्पू की और इसकी भी नहीं बनती, आपस में फाइट हो जाती है वो बोलते हैं मुझे, जबकि वो तो लैब्राडोर है और लैब्राडोर इसको फिर थोड़ा भारी पड़ता है और ये तो सब पर भारी पड़ता है। अब सबको छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चला जाता हूँ रोमी के पास क्योंकि सब भागते हुए जब आएंगे तो डायरेक्ट रोमी के पास ही जाके भिड़ेंगे, क्योंकि ये देखो जो भी आता है रोमी के पास ही जाएगा। अब यहाँ मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये किसी पर मेटिंग के लिए ना चढ़ जाए और कोई इससे उलझ ना जाए। हाँ जुईड़ा, जुई को देख लो जाके आर्यन के पास जाकर उसके भौंक रहा है। हाँ ये सिर्फ खोलने की विनती कर रहा है कि मुझे खोल दो, और वैसे जैसे ही खोलूंगा ये मैगी और हनी और इनके पीछे जाके फंस जाएगा बस। देखो देखो देखो, आप देख रहे हो जुई को, देख रहे हो जुई जानबूझ के जाके विस्की को सता रहा है। विस्की जो अकीता ब्रीड है, ये कम से कम हो गया है अब 2.5 साल के आसपास, इसका काफी वक्त हमारे साथ ही गुजरा है। अब ये पूरी तरह से वयस हो चुका है, एक बार बेबीज भी इसने डिलीवर दिए हैं। एक अकीता फीमेल आई थी कुछ टाइम पहले इसी हॉस्टल पर, तब हमने इसको उसके पास छोड़ा था और इसने सक्सेसफुली मैट कर दिया था और उसके बेबीज भी हुए थे, हमने फोटोज देखी थी, प्यारे थे। देखो देखो ये सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहता है इसके साथ और मुझे सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है खोलो, और यहाँ वो तड़प रहा है इसे खोलो, पर खोले कैसे, दोनों की ब्रीड बहुत ज्यादा ऐसी है कि डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और दिक्कत की बात यह है कि सिर्फ मैटिंग के अलावा और ये कुछ करते ही नहीं है दूसरे डॉग्स के पास जाके। जैसे अब विस्की है तो विस्की की मैटिंग हो चुकी है इसलिए ऐसा नहीं करता है, ये भी लड़ाकू है पर ऐसा करता नहीं है क्योंकि ये अपने में समझ के चलता, बहुत ज्यादा सोच समझ के चलता ही है, अपने माइंड को बहुत धीरे धीरे लिए ओपन कर रहा है ये। और ज्यादा मैं इसको अगर कुछ बोलता तो मुझसे थोड़ा डरता है, तो क्या है जल्दी सिलेंडर हो जाता है। आप देखते हो ना, ओनर आते ही इसकी ताकत बढ़ जाती है, और वैसे ये कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ ना। वैसे अभी ये चला जाएगा लैब्राडोर घर जाएगा, ये तैयार हो गया पूरी तरह से। चुप रोमिड़ा,
चुप रह, छोड़ नहीं सकते अभी आसर को। रूमी हमारे हॉस्टल में काफी टाइम आता जाता रहता है, मैंने इसको इतना भी ट्रेन कर दिया था कि इसको बिना लीज़ घुमाया जा सकता है बाहर। ये मेरे साथ बिना लीज़ घूम सकता है, लेकिन मेरे साथ ही, और ओनर के साथ शायद घूम सकता हो, क्योंकि वो घुमाते नहीं घुमाते उसका आइडिया नहीं रहता ना। प्रैक्टिस भी जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी कभार डॉग फिर इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि घर में आसपास इतने डॉग्स नहीं रहते। तो डॉग्स जब काफी टाइम से डॉग्स के संपर्क में नहीं रहता है, तो जब भी ये बाहर जाते हैं तो ये दूसरे डॉग्स के संपर्क में जाने के लिए तड़पते हैं, भागते हैं उनके पास, चाहे वो लड़ने के लिए समझ लो, चाहे मिलने के लिए समझ लो, या चाहे मैटिंग के लिए समझ लो, बस उतना ही। तो जूही को देखो जानबूझ के भौंक रहा है, फिर ऐसा करके इसको गुस्सा दिलाता है ना, कुछ नहीं करेगा वो। इसके भी बाल खड़े हो गए क्योंकि पता चलता है डेंजर है, डेंजर जोन। आज ब्रेकफास्ट में देंगे बिस्किट्स, डॉग बिस्किट्स। ये जान। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं समंदर, इसके लिए ले जाओ। क्या ढीला आ रहा है, जल्दी आओ ना यार, तो जल्दी जाओ उसके पास, लेके जा फटाफट ये दोनों बिस्किट के पैकेट। स्पीड रखा करना यार, डॉग ही काम है फिर भी स्पीड नहीं है तेरी। मुझे आलसी लोग बहुत बुरे लगते हैं, देख चुपचाप देते चुप हो गए ना सब, भूख लगी ये नहीं चीज समझ पा रहे हो। तू खा, कोई बार मत आने देना इधर, तू खा, तू पहले खा, नहीं ये खा, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये खा। आराम से खा, इधर बैठो खा। तू क्या कर रहा है, गुंदो कर रहा है, खा रहा तो है नहीं, मुझे टेन हाँ इसको बोलते खाना, मुझे पोटा रहा तू है। फिनिश कर अब इसको, यहां ये खा रहा है, वहां ये खा रहा है, सब शांति हो गई, पूरे सबको शांत हो गए। देखो इसमें चार डॉग, अरे नहीं जा रहा बाबा, नहीं जा रहा खा, ठीक है खा, ये खा, पहले खत्म करेगा फिर ही खत्म कर। कैसा है यार ये रॉटविलर की, मेरे ऐसे ही है कि बस जीव की जड़ी बन जाती है हमारे। रॉट और पिटबुल में पिटबुल ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि नो डाउट रॉट भी अगर पकड़ में आ गया तो पावरफुल है ही है, लेकिन उसका जो लॉक करने का तरीके होते हैं वो बहुत ज्यादा वैसे होते हैं। वो क्या रहता है कि इतना चुप, इतना भयानक लॉक करते हैं कि छोड़ते ही नहीं है, वो चीज से उखाड़ ही लेंगे, लेकिन ये कभी कभार बाइट करके वापस छोड़ देते हैं, नॉर्मल बाइट भी करते हैं, ये सीधा लॉक वाली नहीं करते डायरेक्ट फर्स्ट में। और पावर दोनों के पास है, डेंजर दोनों के दोनों है, और नॉर्मल लोगों के लिए तो स्ट्रीट डॉग भी डेंजर होता है, तो ये तो रॉटविलर ब्रीड है जो बहुत ज्यादा पावरफुल, हेल्थ एनर्जी वगैरह सब बहुत ज्यादा रहती है इनके पास। और पिटबुल के पास भी सेम यही चीज है, वो दिखने में इनसे छोटे हो सकते हैं लेकिन बाइट फोर्स और उनका स्पीड, उनके माइंड फाइट करने के तरीके बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। मैं जिस पिटबुल से लड़ा था वो अमेरिकन बुली था एक्चुअली, वो मतलब मिक्स ब्रीड करके ही बनवाया गया डॉग कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उस पर, क्योंकि उसकी हाइट जो थी वो काफ़ी काफ़ी अच्छी थी। इतनी बड़ी हाइट का मैंने अभी तक बुली नहीं देखा है दूसरा, और पूरे राजस्थान में वो एक ही था, ये ओनर ने भी हमें बताया था। ठीक है छोड़ना स्टार्ट कर दो। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, हाँ आ रहे हैं सब आ रहे हैं, मिलते हैं शाम तक न्यू डे के साथ, और आज उसे भी छोड़ के आएंगे, नहीं इसे, ये घर जाएगा आज रूबी। ये सामने आमने भागते समय कोई बीच में आ जाए तो फाइट भी हो सकती है। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को, तब तक लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।